नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ खास। वो चीज क्या है देखिए, अगर मैं आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं कि आप वन टाइम कॉपी करो किसी भी चीज को और मल्टीपल टाइम पेस्ट करो। जनरली क्या होता है, अगर मैं आपको बताया हूं कि ये जो है, ये जो येलो कलर का जो है लाइन, बस आप इसको कॉपी करो और शीट टू में जो है आप इसको पेस्ट कीजिए, तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप इसको जो है जस्ट यहाँ पे आके कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद शीट टू में जाएंगे और यहाँ पे जो है आप पेस्ट करेंगे। ओके, ये हो गया रेगुलर मेथड जैसा कि हम लोग करते हैं। अगर मुझे यही डेटा जो कि फिर से ये डेटा कॉपी करना है, आप क्या करोगे, जस्ट कॉपी करेंगे, ठीक है। इसको सपोज ये डेटा आप क्या किए रहे, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जाके सेकेंड रो में इसको पेस्ट करेंगे। ये क्या होता है कि एक एक करके अगर डेटा पेस्ट करेंगे तो बार बार आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे आप कॉपी करेंगे, फिर कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जो है आप पेस्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। मैं क्या चाहता हूं कि ये जो पूरा सेट है, ये सभी सेट को एट ए टाइम मैं कॉपी कर लूं और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूं। वो क्या करना है, तो एक मेथड हो गया, ठीक है। चलिए ये मैं एग्जांपल के बल ये बताया, मैं डिलीट करता हूं। अभी क्या करना, मैं क्या करता हूं, देखिए यहां पे जो है इस कॉपी पेस्ट करने के लिए मैं एक यूज करूंगा टूल का। वो टूल क्या है, अगर आप होम टैब में जा रहे हैं तो यहां पे आपको मिलता है क्लिपबोर्ड, ठीक है। तो यहां पे क्लिपबोर्ड पे जैसे आप क्लियर करते हो, देखिए यहां पे मैं यहां पे अभी खाली करता हूं, यहां पे क्लियर ऑल है, इसको मैं क्लियर ऑल कर देता हूं। तो यहाँ पे देखिए क्लिपबोर्ड पूरा खाली हो चुका है। अभी यहाँ पे क्लिपबोर्ड में कुछ भी नहीं, इसका क्लिपबोर्ड का फायदा क्या, जैसे मैं ये फर्स्ट वाला अगर इसको मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट कॉपी कर रहा हूं, इसको कॉपी किया, ठीक है। जैसे आप कॉपी किए तो ये जो है डेटा देखिए यहाँ क्लिपबोर्ड के अंदर आ चुका है। चलिए मुझे इसको पेस्ट नहीं कर, फिर मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये भी मुझे चाहिए, इसको भी आप क्या करो कॉपी कर लो। अभी देखिए ये भी डेटा आपके अंदर आ गया, इसको भी कॉपी करना है, यहाँ से भी आप कॉपी कर लीजिए, इसको थ्री डेटा कॉपी कर लिया, इससे भी कॉपी करना है, आप कर लो कॉपी, ठीक है। इसको छोड़िए, आप ये व्हाइट वाला भी कॉपी करना है, इसको भी आप कॉपी कर लो। तो क्या होता है कि आप जैसे जैसे यहाँ पे कॉपी कर रहे हो, वो सभी डेटा जो है इसके अंदर जो है आते जाता है। जब देखिए फर्स्ट आप कॉपी किए, ये सेकंड ये किए, थर्ड ये किए, फाइनली आप ये कॉपी किए, सभी कॉपी किए, ठीक है। अब क्या होगा, ये सभी डेटा को मुझे पेस्ट भी करना है ना। अगर आप यहाँ पे सीट टू में जा रहे हो, ये सभी डेटा क्लिक करना, जस्ट आप क्लिक कीजिए यहाँ पे और यहाँ पे क्या है पेस्ट ऑल, ठीक है। तो आप जैसे ही पेस्ट ऑल पे क्लिक करोगे तो वो डेटा जो कि पूरा डेटा यहाँ पे कॉपी हो चुका, आप जैसे जैसे कॉपी किए ना, पूरा डेटा क्या हो गया यहाँ पे कॉपी हो चुका है, एट पेस्ट हो चुका है एट ए टाइम। आपको क्या करना है, हर एक बार जाके वहां पे जाने के बाद आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट एट ए टाइम, वन टाइम आप कॉपी किया उसको जब चाहे आप यहां पे पेस्ट कर सकते हो। चलिए मुझे यहां पे डेटा चाहिए, फिर से ये वाला पेस्ट करना है, देखिए यहां पे जस्ट इसको क्लिक कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये डेटा जो है आपके यहाँ पे जो है पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, इस डेटा पे क्लिक कीजिए, देखिए पेस्ट हो चुका है। फिर से मुझे ये भी डेटा पेस्ट करना, जस्ट कहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, जो भी डेटा करना है पेस्ट, जितनी बार करना है आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। वन टाइम कॉपी किया, आप उसको मल्टीपल टाइम्स जितनी बार चाहें उतनी बार आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप क्लियर करना चाहते हैं ये डेटा, चलिए क्लियर कर दिया, मुझे ये भी नहीं चाहिए, चलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पूरा डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा डेटा डिलीट ही कर रहा हूँ, क्लियर एवरीथिंग कर रहा हूँ, क्लियर। चलिए क्लियर हो चुका है, यहाँ पे इसको भी क्लियर कर दिया। ये तो हुई एक्सेल से, एक्सेल से मैंने किसी भी डेटा को कॉपी। अभी हमें मेरी बात एक्सेल पे ही खत्म नहीं होती है, अभी मैं और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे वर्ड का, ठीक है, ये क्या है, डॉक्यूमेंट्स है, ये माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड है, इसे एमएस वर्ड में कुछ लेटर है, आप इसको भी यहाँ पे जस्ट कॉपी कीजिए। यहाँ पर भी कॉपी करेंगे ना तो आपका जो एक्सेल सीट है, यहाँ पे देखिए ये क्लिप बोर्ड के अंदर जो आप कॉपी किए थे वो वाला भी आ चुका है यहाँ पे। अगर आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, चलिए जस्ट आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे वर्ड का जितना डेटा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, ठीक है, पूरा लाइन में ही पेस्ट हो चुका है। अगर आप इसको वेरअप करना चाहते हो तो वेरअप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप किस तरह से करना चाहते हो, सभी कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, जैसा चाहें आप अपने अनुसार इसको कर सकते हो। ओके, ये चलिए बात हो गई, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लियर ऑल कर देता हूं इसको,
क्लियर ऑल, क्लियर ऑल भी किया, चलिए तो सही है। यहाँ पे और भी मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, चलिए यहाँ पे फिर से इसको पेस्ट करना है, कर दीजिए ना, इसको वेरअप कर दीजिए ना, पूरा डेटा आपका जो है यहाँ पे एक ही सेल में आ चुका है। ये तो हो गई वर्ड में कॉपी किया, फिर भी आप इसको जितनी बार चाहें, जितने मल्टीपल टर्म्स चाहें, आप इसको पेस्ट करना जहाँ भी चाहे वो कर सकते हो, ठीक है। ये चलिए वर्ड में डेटा कॉपी किया था, अभी मैं एक्सेल का जो डेटा है इसको भी, चलिए ये रो को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट इसको कॉपी कर लिया। यहाँ पे देखिए अभी हटा दीजिए आप, कॉपी को स्किप कर दीजिए, यहाँ पे दोनों डेटा है यहाँ पे, ठीक है, ऑलरेडी कॉपी होके है। अब जो भी डेटा आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये वाला चाहिए, देखिए ये डेटा को भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, या आपने ए वन टाइम कॉपी किया है इसको भी पेस्ट करना है, इसे भी पेस्ट करना, जितनी बार चाहें आप उसे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एक बार कॉपी कीजिए, बार बार पेस्ट कीजिए, कुछ बात नहीं है। ये तो हो गई एक्सेल और वर्ड में कॉपी करने, एक्सेल और वर्ड को हटाइए, मैं गूगल में जाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्रोम खोला है, यहाँ पे कुछ सर्च इंजन में लिखा हूँ, इसे मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भी कॉपी करना है, ठीक है, वन टाइम इसको कॉपी कर लिया, फिर से मुझे ये भी नेम जो है कॉपी कर लिया, अभी कितना डेटा कॉपी किया, 2 डेटा कॉपी किया, ठीक है। अगर मैं और भी डेटा कॉपी करता हूं, ठीक है, चलिए इसे भी कॉपी कर लेता हूं, 3 डेटा कॉपी किया यहाँ पे, एक एक करके मैंने एक एक करके कॉपी कर लिया यहाँ पे। अभी देखिए एक्सेल के अंदर मैं जा रहा हूँ, देखिए न्यू सीट में मैं जा रहा हूँ इसको, ठीक है, सीट 4, देखिए आपने क्या डेटा कॉपी किया था यहाँ पे, फर्स्ट डेटा, इसको पेस्ट करना है, कर दीजिए ना, जस्ट क्लिक, ये डेटा पेस्ट करना है। आपने जो भी डेटा वहां से कॉपी किया सभी डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, आपके क्लिपबोर्ड में जो है सभी डेटा अवेलेबल रहता है, उसको आप जितनी बार चाहें, मल्टीपल टाइम्स चाहें, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, अपने अनुसार जो है उसको पेस्ट कर सकते हो। अभी देखिए पुराना डेटा जो है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, उसे भी आप पेस्ट करना चाहते तो वो भी पेस्ट हो गया यहाँ पे, अच्छा है ना, कितना मस्त ट्रिक है, वन टाइम कॉपी करो, बार बार उसको पेस्ट करते जाओ, जितनी मर्जी उतनी बार पेस्ट करो, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप जैसा चाहे उतनी बार करते रहो, ठीक है। तो हमने क्या सीखा इसमें, आपने वर्ड का डेटा, गूगल क्रोम का डेटा, मतलब गूगल साइट से जो आप जो भी डेटा सेलेक्ट करते हैं उसे भी आप यहाँ पे कॉपी, जो भी कॉपी कर रहे हैं उसको भी जो है एक्सेल में क्लिपबोर्ड की मदद से आप जो है यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये पूरा डेटा को भी आप पेस्ट करना चाहते हैं, जस्ट क्लिप पेस्ट ऑल करेंगे तो पूरा डेटा भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक वन टाइम ही पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे जितनी बार आप चाहें उतनी बार इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था मेरे छोटे से ट्रिक जिसकी हेल्प से मैंने आज बताया आपको क्लिपबोर्ड का यूज करना, किस तरह से यूज कर, अगर आप इसको क्लियर ऑल करेंगे तो ये क्लिपबोर्ड चला जाएगा। अगर आप इसी डेटा को फिर से यहाँ पे जाने के बाद या कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कीजिए, जैसे ही देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, इसको भी कंट्रोल सी प्रेस कीजिए, देखिए दूसरा डेटा भी आ गया ना, इसे भी चाहिए, कंट्रोल सी प्रेस कीजिए, देखिए यहाँ पे ऐड होता जा रहा है, इसे भी कीजिए, ऐड होता रहा, सभी डेटा ऐड होता रहा, ठीक है। और यहाँ पे इसे भी हम अभी कर रहा हूँ, फिर से इसको कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, ये भी क्या हो गया, देखिए यहाँ 2 टाइम्स कॉपी किए, देखिए यहाँ पे साइड में सिम्बॉल भी आ, एक्सेल डेटा से कॉपी किए हैं, यहाँ जो है वर्ड डेटा से कॉपी किए। और सबसे मजेदार बात ये है कि आपको जो है ये क्लिप बोर्ड का जो है ऑप्शन जो है ये वर्ड में भी मिलेगा, आपको एक्सेल के अंदर भी मिलेगा, अगर ये आप चाहे तो पावर पॉइंट यूज करते हैं पावर पॉइंट के अंदर भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे चीज हैं जो कि आपके वर्क को बहुत फास्ट, फास्टर देन फास्ट, आपको देखिए यहाँ पे मैं कुछ ये सीरियल नंबर है ना, नंबर इसी को मैं करता हूँ, ये कुछ डेटा जो जो मेरे पसंद है, यहाँ पे जस्ट क्लिक किया, कंट्रोल सी दबाया, यहाँ पे गया कंट्रोल सी दबाया, यहाँ पे गया कंट्रोल सी दबाया, यहाँ पे गया कंट्रोल सी दबाया, ठीक है, यहाँ पे गया कंट्रोल सी दबाया, जो भी डेटा, देखिए सभी डेटा यहाँ पे कॉपी हो चुका है ऑलरेडी, आपको जहाँ भी पेस्ट करना है आप यहाँ पे जस्ट क्लिक क्लिक वन क्लिक, आपको जो भी डेटा चाहिए क्लिक, जो है पेस्ट होता जा रहा होता जा रहा होता जा, आपको जितनी बार चाहिए डेटा पेस्ट कर सकते हैं। मजेदार बात है, किस तरह से किया नहीं किया आपको पूरा समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, क्लिप बोर्ड से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। और
और आपको न्यू वीडियो चाहिए उसके बारे में भी आप बताइए, ठीक है। और आप चाहते हो कि मैं आपके साथ आपके प्रोजेक्ट पे किसी पे काम करूं, तो उसके लिए आप मुझे मेरे चैनल को ज्वाइन बटन से आप क्लिक करके मेरे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, ठीक है। तो ताकि हम लोग का जो कम्युनिकेशन थोड़ा और क्लोज हो सके, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते कुछ न्यू आइडिया न्यू ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।